दोस्तों सिर्फ आप अकाउंट नंबर से आप अपनी सारी डिटेल देख सकते हैं, बैंक बैलेंस की पूरी बिल्कुल पासबुक की तरह, कि आपके खाते में किस सरकारी योजना के तहत कितने पैसे आए हैं, सब कुछ आप देख पाओगे सिर्फ अकाउंट नंबर से और बैंक का नाम डालकर। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं ना कि आपको आपके खाते में पैसा आया है कि नहीं, आप सारी चीज़ अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहाँ पर लाइक वाले बटन पर क्लिक करके सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस घंटी बटन को दबा के यहाँ पे ऑल प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्हाट्सएप में शेयर करें ताकि वो भी अपना जो कि पूरी तरीके से डिटेल चेक कर पाएँ घर बैठे पासबुक की तरह। और यहाँ पर आपको कमेंट करना है कि आपका कौन सा बैंक में जो कि खाता है, उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है गूगल। अब गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है PMFS, ठीक है, आपको ये सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नो योर पेमेंट वाला ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए बैंक नेम आएगा, अकाउंट नंबर आएगा, एंटर अकाउंट नंबर, ये सारा डिटेल मैं यहाँ तो पर यहाँ पे फिल देख कर सकते देता हैं हूँ। मैंने अपना बैंक का नाम और अकाउंट नंबर सब कुछ यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया, यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट नंबर आ गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विडो पेंशन, ठीक है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, और यहाँ पर देख सकते हैं चंपा देवी नाम है, और यहाँ पर देख सकते हैं 1500 रुपया ट्रांसफ़र हुआ है, उसके बाद 1000 रुपये, और उसके बाद यहाँ देखिए 24 तारीख को, ठीक है, और यहाँ पे 1 तारीख को, सारा डिटेल बिल्कुल पासबुक की तरह आ गया। सिर्फ अकाउंट नंबर से मैंने सारी डिटेल चेक कर लिया, सिर्फ आप भी यहाँ पे सिर्फ अकाउंट नंबर, ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको डालना है और बैंक का नाम और इंटरनेट, बस उसके बाद आपका यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।